तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपके पास कुछ इनिशियल ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। ये जो फॉर्म है ये वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप की है, ठीक है। तो इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है और स्टैंडर्ड फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं। खैर, इसको थोड़ा सा और हम लोग मैनेज कर लें ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म से डायरेक्टली ये मैच करे। तो आप 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और एक्स स्क्वायर तो है ही है, और ये 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, 5x का होल स्क्वायर, है ना। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपको ऑब्जर्व होना चाहिए कि किस फॉर्म की दिख रही है। ये वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इस फॉर्म में है। तो थोड़ा सा हम लोग सब्सटीट्यूशन करके इसे और सीधे सीधे मैच कराएं। तो हमने कहा कि जो यहाँ पे है एक सिंगल वेरिएबल दिखना चाहिए, लेट 5x इक्वल्स टू से टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो 5x का डिफ्रेंशिएशन 5 हो जाएगा dx, और t का 1 dt। इसका मतलब dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt/5। तो एक क्वेश्चन हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा dx dt/5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। 1/5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब ये आपका सीधा सीधा मैच कर गया, ये वाला जो ब्रैकेट है ये मैच कर गई आपकी 1/√a² - x² से, और x अब यहाँ पे t है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x/a। तो क्या हो जाएगा आपका, इस ब्रैकेट की वैल्यू है 5 तो बाहर है आपका, तो 1/sin−t/3, और प्लस आपका क्या हो गया, सी, दैट इज योर नॉट फाइनल आंसर, है ना। ये क्योंकि टी आपका डमी वेरिएबल है, टी को आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। टी क्या है आपका, 5x है, तो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे जहाँ टी है वहाँ पे 5x रखना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स 5x/3, और प्लस क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर। बट आपको ये जो आपके पास फंक्शन आया है इंटीग्रेट होके, आपको इसकी डोमेन और रेंज बतानी है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।